बांग्लादेश दुनिया में बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है, लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बांग्लादेश को दुनिया में सबसे आगे खड़ा करती है, वो है इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है बांग्लादेश में। अगर हम बात करें तो साल 2021 में इन्होंने 35.8 बिलियन डॉलर का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया था अपने कंट्री से, और अपने देश में ये 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को जॉब दिया करते हैं इस इंडस्ट्री में भी। आज दुनिया के कोई भी देश बांग्लादेश से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कम्पीट नहीं कर पाते हैं। इसका रीज़न है कि बांग्लादेश की पूरी जो पब्लिक है वो बहुत इंगेज है इस इंडस्ट्री के अंदर। आज चाइना के बाद बांग्लादेश दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का। और दोस्तों, टेक्सटाइल ही ऐसी इंडस्ट्री है बांग्लादेश की जिसने बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करने में मदद की है। आज बांग्लादेश में जॉब बहुत तेजी से जनरेट हो रहा है, उसका रीज़न भी है यही टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी ज़्यादा काम किया। आज आप दुनिया के देशों में जाएंगे तो आपको बहुत सारे जगह मेड इन बांग्लादेश के आपको कपड़े जरूर मिल जाया करेंगे। तो कैसे बांग्लादेश इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई टेक्सटाइल मार्केट की, जो कि 20-30 साल पहले तो कभी आज़ाद हुआ था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे और क्या फ्यूचर है बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसका। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल ऑर्ट। तो दोस्तों, बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी सालों से है और सदियों से हम कह सकते हैं, लेकिन इनमें जो असली डेवलपमेंट हुआ वो पिछले 10-15 सालों के अंदर हुआ। 10-15 सालों में ही ये बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन गई। अगर हम इसकी कहानी शुरुआत से समझेंगे तो जो 1971 में के बाद जब बांग्लादेश पूरी सरकार बनी थी, उसमें एक इंसान थे नूरुल कादर खान। ये उस गवर्नमेंट में सेक्रेटरी भी थे और ये बहुत बड़े एक देशभक्त भी थे बांग्लादेश के। इनको पता था कि आने वाले टाइम में काफ़ी सारी जॉब की क्राइसिस बांग्लादेश में हो सकती है, तो इन्होंने कुछ कदम उसी समय लिए जो कि आज उसका रिजल्ट बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले इन्होंने 1978 में करीब 130 लोगों को साउथ कोरिया भेजा, जहाँ पे इन्होंने लोगों को बताया कि जाओ और सीख के आओ कि रेडीमेड गारमेंट्स कैसे बना करते हैं, ताकि बांग्लादेश भी टेक्सटाइल इतना ज़्यादा जब वहाँ पे होता है तो रेडीमेड गारमेंट्स बना के ये दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सके। तो दोस्तों, ये विज़न उस समय नूरुल कादर खान ने सोच लिया था। और इसके बाद जब ये पूरी टीम वापस आती है तो इसमें से 130 में से ज़्यादातर लोग अपना पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट शुरू करते हैं। और नूरुल कादर खान 1982 में देश गारमेंट्स नाम की एक कंपनी शुरू करते हैं जो कि एक्सपोर्ट करना शुरू करती है रेडीमेड क्लोथ्स को। अब दोस्तों, यहाँ पे हम 1980 में बात करें तो बांग्लादेश खाली 3.5 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रही थी टेक्सटाइल, लेकिन अगर हम यही फिगर 2007 में बात करें तो ये 10.7 बिलियन डॉलर हो जाता है ना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड। तो दोस्तों, यहाँ पे पूरी कंट्री ने इस इंडस्ट्री को साथ दिया, क्योंकि कोई गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्री को नहीं बढ़ा सकती है, वहाँ की पब्लिक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और बांग्लादेशी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस इंडस्ट्री को बढ़ाने में मदद की अपनी सरकार की। आज के डेट में बांग्लादेश में जितने भी सारे एक्सपोर्ट हुआ करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा 80% इसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से होता है। आज बांग्लादेश में 5,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं टेक्सटाइल की, जहाँ से कपड़े बनते हैं और ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हुआ करते हैं। इसके पीछे कुछ रीज़न है। बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा गरीबी थी, जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी सस्ते में कपड़े ये लोग बनाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे ये इंडस्ट्री जब ग्रो करने लगी तो यहाँ से जब सस्ते कपड़े दुनिया में जाते हैं तो बाकी दुनिया के लोग भी बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट कर लिया करते हैं। यहाँ के टेक्सटाइल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि बांग्लादेश इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है तो एक्सपोर्ट किसको करता है? तो सबसे ज़्यादा अगर हम दो बड़े इंपोर्टर की बात करें बांग्लादेशी टेक्सटाइल की, तो उसमें है यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स। ये दो कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ करता है। लेकिन अभी कुछ सालों में बहुत सारे नए ऐसे कंट्रीज़ आई हैं आगे, जो कि बांग्लादेश से अपना इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए टेक्सटाइल का, जिसमें से एक कंट्री हमारी भारत भी है। भारत में भी रेडीमेड गारमेंट्स का चलन पिछले 10-15 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो अब बांग्लादेश से इम्पोर्ट होके कपड़े भारत भी आया करते हैं और साल दर साल ये करीब 50% के ग्रोथ रेट से बढ़ता जा रहा है इंडस्ट्री भारत में भी। चाइना ने अपने और नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाया। जैसे कि अगर 2010 में हम बात करें तो चाइना को ये 52 मिलियन डॉलर का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन ये फिगर 2019 में बढ़ के 500 मिलियन डॉलर हो गया। तो दोस्तों, 10 गुना की ग्रोथ 9-10 सालों में ये कर रहे हैं। अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो 2021 के जुलाई से 2022 के जनवरी तक में बांग्लादेश ने 30% ग्रोथ किया है इस इंडस्ट्री में। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, इनकी ग्रोथ रेट बहुत तेज है। दुनिया में कोई कंट्री इनकी ग्रोथ से कम्पीट नहीं कर सकती है। आज चाइना के बाद ये दूसरे सबसे बड़े प्लेयर हैं।
लेकिन दोस्तों अभी कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हुआ था बांग्लादेश के लिए इस इंडस्ट्री में। साल 2020 में वियतनाम ने इनको तीसरे नंबर पे कर दिया था और सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में वियतनाम आ गया था। वियतनाम भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे काफी सालों से काम कर रहा है और ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक साल के अंदर ही बांग्लादेश फिर से दूसरे नंबर पे है और वियतनाम तीसरे पे है और पहले पे चाइना है, दुनिया के सबसे बड़े जो एक्सपोर्टर्स हैं अगर टेक्सटाइल की हम बात करें तो। लेकिन दोस्तों कई सारी ऐसी कंट्रीज है बांग्लादेश जैसी जो काफी तेजी से ग्रो कर रही हैं। पहले बांग्लादेश स्पेन को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया करता था टेक्सटाइल, लेकिन अभी टर्की ने इनको पीछे कर दिया है। तो इस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इंडिया भी बहुत ज्यादा पुश करने की कोशिश कर रहा है इस इंडस्ट्री में। लेकिन आज अगर हम बात करें तो बांग्लादेश पिछले 20-30 सालों में जो उसने मेहनत की है उसका रिजल्ट आज आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि साल 2025 तक बांग्लादेश करीब $100 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा होगा टेक्सटाइल, जो कि एक दोस्तों काफी बड़ी बात होगी। आप सोच रहे होंगे कि कैसे पिछले 20-30 सालों में ही बांग्लादेश इतना तेजी से ग्रो किया, तो उसके पीछे दो रीजन है, एक वहां की गवर्नमेंट और दूसरे वहां के लोग, दोनों ने बहुत ईमानदारी से इस इंडस्ट्री पे मिलके काम किया है। गवर्नमेंट के यहाँ पे कई अच्छे कदम थे जिस वजह से बांग्लादेश की इंडस्ट्रीज काफी ग्रो की है, तो आइए एक बार उसको भी समझ लेते हैं हम। यहाँ पे सरकार ने बेटर पावर जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जैसे कि रूपुर न्यूक्लियर प्लांट पे गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा काम किया जिससे कि इंडस्ट्रीज में काम करने का कॉस्ट काफी कम किया जा सके। वहीं अगली चीज जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया कि बांग्लादेश में बहुत सारे लोग बेरोजगार थे, तो गवर्नमेंट ने काफी सारे इंसेंटिव्स लोगों को देना चालू किए जो इस इंडस्ट्री में थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे थे। अगली चीज गवर्नमेंट ने किया कि दुनिया में एक्सपोर्ट अपना तेजी से बढ़ाया ताकि जो कंट्री में जो जॉब्स की कमी है तो वो खत्म हो सके, और इसमें गवर्नमेंट बहुत कामयाब रही। अगली चीज जो इन्होंने की कि इन्होंने अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ इन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ाना फिर से लास्ट में चालू किया। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया से हर साल एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है बांग्लादेश का, वहीं अगर हम चाइना से बात करें तो चाइना में भी बहुत ज्यादा बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता जा रहा है। ये सरकार की नीतियों की वजह से पॉसिबल हुआ है। आज बांग्लादेश अपने बहुत अच्छे पोजीशन पे खड़ा है इस इंडस्ट्री में। लेकिन दोस्तों एक ही चीज ऐसी नहीं है बांग्लादेश में जो बांग्लादेश को बहुत आगे लेके जा रही है, दूसरी चीजें हैं, इनका स्टार्टअप कल्चर भी बहुत अच्छा है, हम उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। अगली चीज अगर हम बात करें, इन्होंने ढाका को बहुत कम टाइम में ग्रो किया, उस पर भी हम डिटेल वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों एक ये सीरीज है बांग्लादेश पे जिसपे हम अगले कुछ वीडियोस में जरूर बात करने की कोशिश करेंगे कि इतनी छोटी सी कंट्री, कुछ ही सालों का जिसका शुरुआत हुई है, वो आज इतनी तेजी से कैसे ग्रो कर रही है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको रेगुलर मिलती रहें।